अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे आप सब? मी सादिया सदाब के सामने एक नई हेयर स्टाइल की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि है थिन हेयर्स पे हेयर स्टाइलिंग की। कि कई दफ़ा हमारे पास मतलब इस तरह की एज में या यंग एज में भी कई लड़कियों के बाल बहुत थिन और पतले और कम होते हैं, तो कि हमें हेयर स्टाइलिंग की समझ नहीं आती कि बहुत ही सिंपल और एलिगेंट सा स्टाइल हो वो जल्दी जल्दी से बना लें। तो जैसे ही आप सब जानते हैं कि मैं सलोन पे इस तरह के मामला या इस तरह के काम आते रहते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ तमाम काम को शेयर किया जाए। तो मैं अपने सलोन पर होने वाला तमाम काम आपके साथ शेयर करती हूँ, जितना भी हो सकता है पॉसिबल वो आपके साथ लाजमी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर लें। इसके साथ हम अपनी वीडियो का करते हैं स्टार्ट। आप देख चुकी हैं कि हमने बालों को जस्ट क्रिम्पिंग स्टार्ट कर दी हुई है, फुल बालों की क्रिम्पिंग कर दी। इसके बाद टी सेक्शन निकाल कर अब हम लोग कर रहे हैं जी टीजिंग। क्राउन सेक्शन पे टीजिंग कर रहे हैं ताकि बैक कॉम्बिंग हो जाए। बैक कॉम्बिंग कंप्लीट करेंगे हम क्राउन सेक्शन में। आप देख रहे हैं कि मैं पतले पतले सेक्शन लेकर क्रिम्पिंग के बाद जब इस तरह के बालों में टीजिंग की जाती है बैक कॉम्बिंग के लिए, तो बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत बनती है, क्योंकि बाल इस स्टेज पर बहुत ही लाइट होते हैं। इस वजह से हम लोग क्रिम्पिंग के बाद करते हैं जी इस वक्त टीजिंग और बैक कॉम्बिंग। बैक कॉम्बिंग करेंगे कंप्लीट, फिर हम फ्रंट पे एक लाइट से स्टाइलिंग देंगे। अब ये सारा काम मैंने बहुत स्लो स्पीड पर रखा है, बहुत ज़्यादा स्पीड में तेज़ में वीडियो नहीं चलाई, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो वीडियो को इंतहाई गौर से देखिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिला है, और आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। आई होप कि आपको मेरे ये तमाम काम से बहुत फ़ायदा होता होगा, क्योंकि सैलून पे एक्चुअली डिफरेंट तरह का काम आपके पास आता रहता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप को फेस करनी पड़ती हैं, जिसके लिए मैं आपको आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लमेटिक काम ज़रूर शेयर करती हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो। अगर इस तरह के बाल लाइट बाल या इस तरह का काम आपके सामने आता है जो कि मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में, तो इस मुश्किल से आप किस तरह से फेस कर सकते हैं, या इस सिचुएशन में आप किस तरह से काम कर सकते हैं ताकि आपका काम आसान भी हो जाए और जल्दी भी हो और ख़ूबसूरत भी लगे देखने में। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्टाइलिंग की जाती है, और क्लाइंट के साथ थोड़ी सी डिस्कशन भी की जाती है कि उनको किस तरह से चाहिए बाल। अगर वो ओपन हेयर की स्टाइलिंग चाहते हैं या बांधने की चाहते हैं, कई दफ़ा क्लाइंट कहते हैं कि बाल ओपन भी हों और बंधे हुए भी हों, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ओपन हेयर्स पे काम करवा सकते हैं और ना ही वो जुड़ा या कोई इस तरह की खींचे हुए स्टाइलिंग पसंद करती हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को इस तरह का काम करना पड़ता है कि बाल बैक से कर देते हैं ओपन और फ्रंट से खूबसूरत सी स्टाइलिंग कर देते हैं, और क्रिम्पिंग वगैरह करने की वजह से हमारे बालों में अच्छा खासा वॉल्यूम आ जाता है, जिससे हम इजीली सॉफ्ट सी लुक दे सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैक कॉम्बिंग मैंने बहुत अच्छे तरीके से करने के बाद, बहुत ही नीट करने के बाद पिनअप कर रहे हैं, और बहुत सॉफ्ट सी की है, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूमाइज़ नहीं की हम लोगों ने, क्योंकि एक तो आपके सामने हैं क्लाइंट, तो सारा आपकी एज और आपके ड्रेसिंग और फंक्शन के अकॉर्डिंग ही सारा काम किया जाता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी विश को देखना जाता है कि आप क्या चाहती हैं। क्लाइंट के साथ डिस्कशन जो चलती रहती है काम के दौरान कि वो किस तरह से और क्या काम पसंद करते हैं, फिर हम उसी अंदाज से और उसी तरीके से काम करते हैं, ताकि क्लाइंट की विश को भी स्पेशल मद्देनज़र रखा जाए जी। तो इस वक्त हम लोगों ने बैक कॉम्बिंग करने के बाद फ्रंट के सेक्शन पे जो है वो साइड सेक्शन निकाल लिए। साइड सेक्शन निकालने के बाद फ्रंट का फ्लिक सेक्शन हम लोग करेंगे सेपरेट। फ्लिक का सेपरेट करने के बाद हम लोग पीछे जो फ्लिक के बाद छोटा सेक्शन बचता है, उस पर हम लोग क्योंकि क्रिम्पिंग की हुई है, एज यू ऑल नो कि क्रिम्पिंग को नीट करके स्टाइल बनाया जाता है, तो मैं पहले ऊपर के बारीक से सेक्शन लेकर उसको नीट कर रही हूँ स्ट्रेटनर की मदद से। उसके बाद इसमें लाइट सी बैक कॉम्बिंग करेंगे, ताकि अगर हम इस पर फ्रेंच करेंगे तो उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए, और साइडों से भी नीट लुक आनी चाहिए। ये तमाम साइडें क्लियर करने के लिए मैं पहले स्ट्रेटनर की मदद से साइडों को नीट कर लेती हूँ। उसके बाद ऊपर से एक बारीक सेक्शन उठाऊंगी, तीन इसके सेक्शन लेंगे, और अब देखें हम फ्रेंच करेंगे उल्टी, ठीक है। अब आप इसको गौर से देखिएगा कि सेक्शंस मैं किस तरह से उठाती हूँ। एक्चुअली वीडियो जो है वो बनाने के लिए स्टाफ आप सब जानते हैं, जब
सैलून पे काम का रश होता है तो तमाम स्टाफ जो होता है वो बिज़ी होता है, तो इस सिचुएशन में अगर कोई वीडियो बनती है तो हमारे लिए बहुत गनीमत होती है अगर कोई बच्ची वीडियो बना देती है इस सिचुएशन में, क्योंकि काम के दौरान इस काम को भी ख्याल रखना कि आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और समझ लें बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश पूरी करते हैं कि आपके साथ वीडियोज़ को शेयर किया जाए, क्योंकि कई दफ़ा वीडियो बहुत क्लोज़ या बहुत करीब से नहीं बनाई गई होती जिसकी वजह से आप लोगों को हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन अभी जितनी वीडियो भी बनती है मेरी पूरी कोशिश होती है एडिटिंग के दौरान आपको क्लोज़ करके जो चीज़ दिखाई जा सकती है दिखाएँ। इस वक्त भी जो हम लोग फ्रेंच कर रहे हैं वो मैं बहुत क्लोज़ करके आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आप स्टेप्स देख लें उसको किस तरह से उठाए जाते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम हुई समझ आने में तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके लिए आपकी अलग से एक वीडियो भी ज़रूर बना दूंगी ताकि आपके लिए आसानी हो सके। फ्रेंच को तो तकरीबन पूरा एंड तक हम लोग कम्प्लीट करेंगे, कम्प्लीट करने के बाद बैक पे बैक कॉम्बिंग के पीछे लाकर पिन अप कर देंगे और फ्रंट के और लेफ्ट साइड पर जो बाल छोड़े हैं उसको भी हम लोग इसी तरह से हल्की हल्की सी बैक कॉम्बिंग करके बैक पर पिन अप कर देंगे। जो हम लोगों ने फ्रेंच किया उसको थोड़ा थोड़ा सा लूज़ भी लाजमी करेंगे, सॉरी ये बताना भूल गई हूँ मैं कि लूज़ इसलिए ज़रूर करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आ सके, क्योंकि पूरा हेयर स्टाइल हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि सॉफ्ट भी रहे और वॉल्यूमाइज भी रहे, ठीक है। सॉफ्ट इसलिए रहे कि बहुत ज़्यादा ओवर लुक नहीं चाहिए थी इस, और वॉल्यूमाइज इसलिए कि फ्रंट से अगर बाल थोड़े से भी खींचे हुए होंगे तो वो बिल्कुल फ्लैट लुक आएगी, तो वो भी नहीं हम चाहते, हम चाहते हैं थोड़ी सी वॉल्यूम भी रहे और थोड़ा सा सॉफ्ट लुक भी रहे। तो आप देख रहे हैं मैंने फ्रेंच को थोड़ा थोड़ा सा इसके पेटल्स को लूज़ किया है और अब बैक पे बाकी बचे हुए बालों को लाकर पिन अप कर देंगे और जो बाकी लेफ्ट साइड के बाल बचे हुए हैं उनको हम लोग लाइट सी बैक कॉम्बिंग करके रूट्स में जस्ट उसको हम लोग ऊपर से नीट करते हुए बैक पे पिन अप कर देंगे। और पीछे के तमाम बालों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेट करवाया, आप देख रहे हैं कि साथ साथ का बैक का काम भी चलता है, क्योंकि मैं ये सैलून वर्क शेयर कर रही होती हूँ इस वजह से आपको अंदाज़ा हो जाता होगा कि फ्रंट और बैक दोनों पे एट अ टाइम काम हो रहा होता है, क्योंकि सैलून में सारे काम ऑन टाइम और एक टाइम पे ही करके देने होते हैं हम लोग को, क्लाइंट को ऑन टाइम उनके फंक्शन पे हम लोगों ने तैयार करके देना होता है, तो कई दफ़ा होता है कि टाइम लेट भी हो जाता है रश की वजह से, तो हमारी कोशिश होती है कि लेट ना हो क्लाइंट, इस वजह से एक हेयर स्टाइल पे कई दफ़ा दो टाइम एक ही टाइम में दो लोग मिलके भी काम कर रहे होते हैं, वो आपके सामने है कि फ्रंट पे भी काम हो रहा है और बैक पे भी, बैक के जितने भी बचे हुए बाल हैं तमाम बालों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीरम लगाकर स्ट्रेटनर की मदद से अच्छा सा स्ट्रेट कर देंगे, और क्योंकि हम लोगों ने पहले उनको क्रिम्प किया हुआ है फिर ऊपर से स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग जो है वो हम ऊपर से नीचे तक नहीं करेंगे, हल्की हल्की स्ट्रेटनिंग करेंगे ताकि ऊपर से नेट लुक आए और देखने में ये फ्लफ़ी और वॉल्यूमाइज दें बाल, ठीक है, जो देखने में वॉल्यूमाइज भी लगें और स्ट्रेट लुक भी दें। कई दफ़ा होता है कि क्रिम्पिंग की वजह से बाल एकदम से फूल जाते हैं और हम स्ट्रेट करें भी तो वो फटी हुई लुक आती है, वो नहीं आनी चाहिए, इस वजह से हम लोग स्ट्रेट करेंगे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं कि उनकी बिल्कुल ही क्रिम्पिंग की वजह से जो हमने वॉल्यूम क्रिएट किया है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वो हमारा ख़त्म नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। और इस तरह से हम लोग स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं साथ साथ, आप देख रहे हैं बारीक बारीक सेक्शन निकाल के स्ट्रेट हो रहे हैं और फ्रंट पे जो फ्लिक का हम लोगों ने सेक्शन छोड़ा था उसको स्ट्रेटनर की मदद से रोल आउट कर रहे हैं और रोल आउट कर थोड़ा सा हम लोग उसको वॉल्यूम देते हुए बैक पे पिन अप करेंगे ताकि वो फ्रंट से भी खूबसूरत लुक दे, उठा हुआ लगना चाहिए, बिल्कुल ही फ्लैट लुक नहीं होनी चाहिए उसकी भी, जो हम लोगों ने इतनी मेहनत की है वो फ्रंट से मेन चीज़ आपकी होती है कि जो आपकी फ्रंट लुक होती है वही आपके हेयर स्टाइल की पूरी डिपेंडेड होता है, आपका हेयर स्टाइल उसी फ्रंट की लुक पे, इसलिए कोशिश करते हैं कि फ्रंट पे जब आप काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा एहतियात और इंतहाई नीट आपका हेयर स्टाइल लगना चाहिए, ठीक है। अब देखें हम लोग लेफ्ट साइड पे जो बालों बचे हुए बाल आप देख रहे हैं उनको रूट्स में मैं उनके बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ और ऊपर से हम लोग स्ट्रेटनर की मदद से नीट करके उसको बैक पे लाकर बैक कॉम्बिंग के बिल्कुल बैक पे लाकर पिन अप कर देंगे। इस तरह से हमारी तकरीबन हेयर स्टाइलिंग हो जाएगी कम्प्लीट। आई होप कि आपको फाइनल लुक देखकर ज़रूर पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की खूबसूरत वीडियो के साथ, अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।